आया ना तो ये एकदम से आ गई भाई, एकदम से आ गई। इसने ना फौरन से पहले मतलब मैं ऐसे उससे भी आधा अंदर कैमरे, उसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनको गर्म करने के लिए खिलाया जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था काली मिर्च, देखें इनका क्या है, ये जो है ना ये सामने केश पे घुस घुस के ना अपने गर्दन रगड़ रगड़ के देखें, जैसे इसने लाल लाल कर लिया यार, इतने क्यूट लगते हैं यार, हैं कलरफुल हैं, बहुत अच्छे कलर हैं इनके। तो भाई अगर जेनुइन देखा जाए तो फिर इनकी तो, अभी मैंने सिर्फ एक को पकड़ा, उसकी वजह ये है कि यार दोनों मैं नहीं पकड़ रहा क्योंकि छोटे हैं ना ये, तो छोटे हैं अभी वो, देखें उसको देखें। परंतु फिशर का इन्होंने तो भाई अंडे वंडे लग रहा है, मुझे नहीं देने, नहीं देने भाई, नहीं देने तुम लोगों ने, नहीं देने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश हो रहे होंगे, अपने भाई को दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों आज का जो सीन है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैं आया ना तो मैंने देखा कि माशाल्लाह से ये जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह बहुत बड़े हुए हैं, और ये मादी जो है ना अभी मैंने, ये मादी नीचे थी तो मैंने जैसे इस तरफ आया ना तो ये एकदम से आ गई भाई, एकदम से आ गई। इसने ना फौरन से पहले मतलब मैं ऐसे उससे भी आधा अंदर कैमरे खड़ा हुआ, एकदम से पीछे से आ गई कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो खैर भाई इसको आने के पता है कि भाई हम तुम्हें दाना डालते हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए थे ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। असल में टेंशन ये इसलिए भी ले रही ना यार दोस्तों क्योंकि ये अकेली है, डॉन तो जाते बताया हमने बंद करा हुआ है, तो ये वही समझ रही होगी यार पता नहीं क्या करने में आ गया। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों अभी देखिएगा इसको देखें, खोलने लग गई कि मारने के चक्कर में। तो दोस्तों अभी मैं पकड़ ले रहा हूँ ना, मेरा इरादा था कि आपको पकड़ के दिखाता हूँ, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, पेट वगैरह इनके फुल भर के रखे हुए हैं इसने यार माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त तरीके से खिला रही है। आप ये देखें सिंगल पेरेंट से फिलहाल ये कह सकते हैं, डॉन तो हमारे लगे हुए हैं तो हमने उसको बंद करा हुआ है, सिंगल पेरेंट के हिसाब से जो दोनों बच्चों को फीड करा रही है ना, सलाम है इसको, सलाम है, सलाम है। अल्लाह ताला भाई इसको सेहत दे और खुशी दे, तंदुरुस्ती दे, और ये ऐसे ही जो है ना बच्चों को बड़ा करती रहे। और भाई इसके बाद फिर हमारा जो छुटकू गैंग है ना यार दोस्तों, उसके साथ बड़ा गंदा सीन चल रहा है, बैड सीन ये चल रहा है छुटकू गैंग का, इनको खोल नहीं रहे। उसकी वजह दो है, एक तो वजह ये है कि हम सामने खोल देते हैं तो चल जाता है, दूसरी वजह ये है कि भाई ये माशाल्लाह से अच्छे खासे बड़े साइज में हो गए, अभी ये देखते देखते ना ये बड़े हो रहे हैं, तो ये जो है ना ये कबूतरों से लड़ने लग गए। लड़ने से मुराद ये होता है कि उनके खानों में घुसते हैं तो कबूतर जो है फिर जाता है इनको मारता है, और बच्चे भी सबने दिए हैं तो एक मसला ये भी कि बच्चों को भी मार सकते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं इनको बंद करने का, लेकिन बंद करने से जो इनका हो रहा है ना, आप ये देखें इनका क्या है, ये जो है ना ये सामने केश पे घुस घुस के ना अपने गर्दन रगड़ रगड़ के देखें, जैसे इसने लाल लाल कर लिया यार, इसने गर्दन पूरी लाल कर ली इन लोगों ने, तो ये जो है ना ये चीज सही नहीं है यार, ऐसे तो ये फट जाएगा इनका ना, तो ये सही नहीं है। हालांकि मुझे इनको केज दूसरा ही देना था क्योंकि इस केज में ये सेटिंग में अब आ नहीं रहे, सामने सामने मैं खोल देता हूँ अभी, तो खैर मैंने दाना खिलाने के लिए इनको बंद कर दिया क्योंकि ये दाना खा लेंगे ना तो थोड़ा सुकून में आएंगे। और दाना तो भाई माशाल्लाह से ये जो चूजे है ना ये खाने में बहुत परफेक्ट होते हैं, मैं बाजरा भी खिलाता हूँ इनको, ये भी खिलाता हूँ, उसके बाद भी ना इनको बाहर आना है, खाना है, ये सब कर रहे होते हैं। तो अभी अपने सामने तो मैं इनको खोलूँ, इन्होंने अपनी गर्दनें खराब कर ली यार, दाना खा लेंगे तो थोड़ी देर में इनको वैसे भी खोलूंगा यार, लेकिन यार दोस्तों यार देखें यार इनको पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, यार देखें पता नहीं क्या होता है, एक दिन अच्छे, दो चार दिन अच्छे चल रहे होते हैं, उसके बाद फिर एक दिन खराब आ जाता है। तो ये है कि इन्होंने अपनी गर्दनों पर ना इस जगह पे पूरा रेड रेड निशान कर दिया, वो केस से रगड़ रगड़ के ऐसा ना वो फट जाए, जगह भी हसास है, गर्दन आपको पता है हसास जगह होती है। इसने हमें बहुत खुश करके रखा हुआ है, अल्लाह ताला इसको सेहत दे भाई, बहुत 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 कुछ इसने करा है माशाल्लाह। बच्चे देखें अब तो बच्चे थोड़े से बड़ों की तरफ जाने, बड़ों से मुराद ये कि इनके जो पर की जो तीलियां होती है ना वो निकलना इनकी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक अच्छा बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। डॉन तो यार, लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह से डॉन की मैं आपको दिखाता हूँ, डॉन और हमारी वाली लकवा जो है अभी इनकी मेडिकेशन पूरी तरीके से चल रही है ना, डॉन को माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह से कि भाई दाना वाना पूरा खुद खाते हैं, भाई इनकी टांगों का मसला है, बाकी गर्दन देखें इनकी काफी हद तक ठीक हो गई है, जैसे हिल रही थी ना गर्दन अजीब तरीके से, यूं यूं करके जो हिल रही थी ना इनकी गर्दन, ऐसे जो हिल रही थी यूं करके जो हिल रही थी, अब गर्दन जो है इनकी मैं देख रहा हूँ कि ये बेहतर की तरफ जा रही है, टांगों का इशू है, टांगे इनकी देखते हैं, कोशिश करेंगे 10 दिन में ये ठीक हो जाए, क्योंकि उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रॉपर मेडिसिन सारी खिला रहे हैं, लहसुन खिला रहे हैं, हुब्बे हजरा की मैंने आपको दिखाई थी वो खिला रहे हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनको गर्म करने के लिए खिलाए जा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था काली मिर्च और बादाम जो पीस के उसकी जो गोलियां होती हैं वो भी हम खिला रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह से डॉन भी जो है भीतरी की तरफ जा रहा है, तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है लकवा कबूतर को सेट करने में काफी हद टाइम लग जाता है, लेकिन उम्मीद ये लग रही है मुझे कि ये ठीक हो जाएगा। पहले आप लोगों को बताया था ना यार पता नहीं ठीक हो ना हो, ऐसी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी, आप देख रहे थे उल्टी कर रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था शुरू के दिनों में, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे पूरा हफ्ता गुजरे ना, पूरे हफ्ते में माशाल्लाह से बहुत इंप्रूवमेंट आई है इसमें, इतनी इंप्रूवमेंट आई है कि फुल दाना खा रहा है, अब मैं इसको दाना नहीं खिला रहा, कल भी नहीं खिलाया था और आज भी मैं नहीं खिलाऊंगा, उसकी वजह ये कि मैं दाना डाल रहा हूँ तो मेरे सामने सामने खा रहा है ना, प्रॉपर दाना खा रहा है तो मैं उसको क्यों खिलाऊंगा, क्योंकि उससे ही होता है, खुद अगर ये दाना खाएगा ना तो सैड भी रहेगा, बनस्बत मेरे दाना खिलाते हैं, मैं खिला हम दाना कोई भी बंदा दाना खिलाता है ना तो कबूतर काफी टाइम के लिए सुस्त हो जाता है, टुन हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है जोर पड़ता है उस पर,
अब ये खुद अपने जाहिर सी बात है मैदे में जाएगा, इसके खुद अपने चोंच से लेके जा रहा है ना, तो वो हजम भी जल्दी होता है और वो प्रॉपर तरीके से वो खाता भी है। डाइट भी उसके अपने हिसाब से होती है, हम खिलाते हैं अपने हिसाब से, ये खाता है अपने हिसाब से। अच्छा खिलाते हैं इसको, एक पहले चना भिखा के खिलाते हैं, अब क्या चने थोड़े में डाल देता हूँ ताकि ये खा ले, और वो माशाल्लाह से खा लेता है। आप ये देखे ना, इसने यहाँ बाजरा छोड़ा हुआ है, बाजरे के अलावा जितना भी सामान था ये सब खा चुका है। दाल में इसको ज्यादा इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई इसके पास दाना खत्म ना हो, पड़ा रहे जाके इसका दिल करे तो ये खाता रहे। चेहरी का तो देखें ये भी फिलहाल बाहर आया हुआ है, मैं करीब जाऊंगा इसने अंदर चले जाना है। तो मैं फिलहाल भाई इनका पता नहीं क्या चेरी हो गया, फिशर हो गया, दोनों ये देखें 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 बस देखें यार, ये तो है ना भाई, अंदर ही चले जाके बैठ जाते हैं, चले अंदर ही चलते हैं। तो अंदर देखें तो इन्होंने करा हुआ क्या है, तो भाई ये तो अंदर ही बैठे हैं दोनों, ये देखिए भाई ये ना ऐसे अंदर जाके बैठ जाते हैं भाई, तो मतलब ना ये अंडे कर दे रहे हैं, ना ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, समझ से बैठे ना कुछ भी नहीं है ना अंडे भाई, ये अंदर जाके बैठे रहते हैं, ये बैठे रहते हैं। तो भाई ये है बहुत क्यूट से, अगर बाहर रहे ना तो यार, तो इनकी वीडियो ना और अच्छी बनेगी जब ये बाहर होंगे। तो अब ये देखे ना, देखे माशाल्लाह तो कितने क्यूट लगते हैं यार, हैं कलरफुल हैं, बहुत अच्छे कलर हैं इनके। तो भाई अगर जेनुइन देखा जाए तो फिर इनकी तो हंडियां होनी ही चाहिए, इनको चाहिए कि भाई किसी ऐसी चीज में बच्चे बच्चे दे दिया करें जो लोगों को भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए। अब हंडिया में क्या होता है, इतनी बड़ी हंडिया इसके अंदर जाके बैठे रहते हैं, सिर्फ दाना खाने बाहर आते हैं, दाना खाने बाहर आते हैं या थोड़ी बहुत मस्ती करने बाहर आते हैं, ब्रीड अभी तक नहीं कर रहा, पता नहीं कब करेंगे ब्रीड। भाई तोते वगैरह कब ब्रीड करेंगे नहीं समझ आ रहा, हाथ बजरी तो कर रहा है, बजरी का तो ये था कि भाई बच्चे लाए थे उसने अंडे दे दिए तो वो ब्रीड कर देगा, बाकी इन तोतों का चेरी का और फिशर का पता नहीं कैसे नहीं चले। चेरी का तो ये हो गया, फिशर के अंदर भी घुसते हैं भाई, उनके क्या हालात हैं वो भी देखते हैं। चलो भाई चलो फिशर साहब, क्या कर रहे हो तुम, देखे ना ये दोनों भी गायब है, गायब से मुराद अंदर बैठे हैं। ये देखें भाई इनका भी यही सीन है यार, दोनों अंदर बैठे हैं, दोनों अंदर बैठे हैं। और आप उसका देखे ना सर फाड़ा था ना इसने बजरी ने, कैसा हो गया, माशाल्लाह ये सेट हो गया सर, लेकिन ये है कि वैसे एक्टिव हो गया, मतलब शुरू शुरू में काफी मैं कितना डर लग रहा था कि कहीं मार दे मर जाए ये वाली, उन चीजों से दूर हो गया, अंदर बैठे हैं। आप देख रहे हैं भाई, जब तुम कैमरे में हमारे साथ हम ऐसे तुम्हें कैमरे ले जाएंगे, तुम घबरा नहीं रहे तो बाहर आने में क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, नहीं घबराया करो ना, हमने क्या तुम्हें खाना थोड़ी है यार, तुम्हें खाना थोड़ी है। तो भाई दोस्तों ये सीन चल रहा है चेरी का और फिशर का, इन्होंने तो भाई अंडे वंडे लग रहा है, मुझे नहीं देने, नहीं देने भाई, नहीं देने तुम लोगों ने, नहीं देने अल्लाह के नीरा के, मतलब वो कहता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें खत्म हो रही है इनकी तरफ से कि भाई ये हमारे पास ब्रीड करेंगे, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं देखें अंदर घुसा हुआ था अभी बाहर आके बैठा हुआ, देख रहे हैं आप, ये है भी इतना क्यूट, फिर भी नहीं डरता ये फिर भी नहीं डरता मादी, ये देखें बाहर आके बैठे हैं साहब, अभी फौरन से पहले अंदर चले गए थे, अभी मैं करीब जाऊंगा फिर इन्होंने अंदर चले आना। ये तो फिर भी माशाल्लाह से काफी हद तक ऐसा है कि नहीं डरता, मादी तो बहुत डरती है, लेकिन लेकिन फिर भी भाई ये लोग ब्रीड तो कर नहीं रहे यार, ये तो ब्रीड नहीं कर रहे हैं भाई। ये सीन है हमारे फिशर और चेरी का, चेरी और फिशर का ये सीन चल रहा है। अब समझ नहीं आ रहा इनके साथ क्या करें, इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, फिलहाल इनके हाल पे छोड़ते हैं इसको, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई हमने क्या करना है। बाकी भाई जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जाके चैनल तो सब्सक्राइब करें, जाएं जाके चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट करिए आप लोग बताएं ना यार कि हमारे मेन्यू में आप लोगों का क्या सीन, मतलब क्या क्या चीजें और लेकर आए और कैसा सेटअप है। और बाकी छुटकू गैंग के लिए हम क्या करें, छुटकू गैंग का तो कुछ बताएं भाई, इनको हमने बंद तो कर दिया है, मसला नहीं है बंद, सामने और खोल भी मतलब सामने तो खोल लेते हैं, लेकिन ये कि वैसे नहीं खोल सकते ना क्योंकि ये एक लड़ रहे हैं, तो बंद करने में ये हो रहा है। तो ये वाले छोटे केज में इसको मैंने इनको बंद कर रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या इनको हो रहा है बाहर निकलने का, इनको वो बड़ा देखेंगे, मादी आ गए ना नीचे, ओए होए हमारे पास मौका है। तो भाई अब हम बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं भाई माशाल्लाह से बच्चे हाथ में नहीं क्या, हाथ में एक तो लेते हैं यार हाथ में, ये देखें दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी हैं। तो ये देखें भाई, ये देखें अभी मादी ने मुझे देखा नहीं है, तो माशाल्लाह से भाई दोस्तों अभी इनके पीलियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं, अब ये कुछ हफ्ते भर में जो है इनके परवर निकल जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ एक को पकड़ा, उसकी वजह ये है कि यार दोनों मैं नहीं पकड़ रहा क्योंकि छोटे हैं ना ये, तो छोटे हैं अभी, वो देखें उसको देखें फौरन देख लिया तो मैं इनको रख देता हूँ यार, तंग ना होना क्योंकि वो खाना खिलाती है, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि खाना खिलाती है, कहीं ऐसा ना होना यार खाना खिलाना छोड़ दे क्योंकि ये अकेली तो है। ये देखें अभी ये ना, अब इसको देखिएगा ये ना, हो सकता है अंदर जाए, मैं दोबारा जाऊंगा ना, देखिए दोबारा देखें, ये देखें 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 दोस्तों देखें 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 अच्छा इसको इधर देखें 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 इसको देखें तो देखें ओए होए ये जो है ना इसको फिक्र हो जाता है, अच्छा इसको अंदाजा हो जाएगा नहीं फिर दोबारा नहीं कर रहा, दोबारा मैं जाऊंगा एक दो दफा जाऊंगा ना फिर ये देखें ये अब ऐसे में दो तीन दफा आऊंगा ना तो ये बहुत यार आप देखो उसको यार कितना वो कर रही है ये यार कि क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है परेशान परेशान हो रही है। तो भाई माशाल्लाह से देखें दोनों दोनों से बच्चे ना फुल एक्टिव हैं और माशाल्लाह ये अभी तो फिलहाल दोनों एक ही साइज के लग रहे हैं मुझे, ये देखें चुपचाप से देखिएगा ये देखें ये बहुत परेशान हो रही है तो मैं इसको नहीं कर रहा परेशान, मैं ये बस आपको आखिरी ये दिखा रहा हूँ फिलहाल, बाकी परेशान नहीं करना चाह रहा मैं यार क्योंकि यार से बात है माँ है यार। ये देखें अब ये हो सकता है मैं थोड़ा पीछे हटाऊं
तो अभी ये खैर दाना वाना खा रही है, अभी इसने इनको दाना वाना खिलाया क्योंकि इनके पेट भरे हुए ना, तो बस देख रही थी। अच्छा मुझसे ये अंदाजा है इन लोगों के भाई हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी वजह ये है कि भाई मैं तो आता ही हूँ ना यहाँ पे, मैं तो हूँ ही ना, मैं तो होता ही हूँ। तो भाई दोस्तों ये चल रही है हमारे शॉर्ट विनीतू की सेटिंग और सारा सेटअप ये चल रहा है, बस छुटकू गैंग की तरफ से थोड़ा सा मुझे यार वो हुआ है कि भाई इनके साथ क्या करा जाए। चले खैर अब ये कि जैसे ये दाना खा लेंगे ना तो थोड़ी देर तो सुकून में आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है बेचैन आत्माएं, मैंने आपको उस दिन ही बताया था ना कि ये जो है बेचैन आत्माएं हैं, ये बाहर निकलेंगे लड़ेंगे, वो वाला सीन में चाह नहीं रहेगा यार ये करें। उसकी वजह पता ही है, उसकी वजह ये कि यार अब ये अगर लड़ते रहेंगे ना तो ये फिर बड़े होके कठन्ने बन जाएंगे, वो भी नहीं करना ना इनको, तो इनके लिए भी इंशाल्लाह अब ये कि कोशिश करके जल्दी से इनका सेटअप अलग करना है। सेटअप अलग करने से मुराद अब इनका, अब हम इनको बाहर छत पे भी नहीं खोल सकते, इतने बड़े इनको चीने ले जाएंगी। अभी थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो बाहर खोलते ना तो इनको ये खुश हो जाता है, लेकिन वो वाला सीन भी नहीं है ना इनके लिए। ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है और वो सबसे छोटा है अभी, तो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है इनकी। ये सही है, इसने अपनी गर्दन खराब नहीं करी, इसने गर्दन खराब करी है और इस वाले ने गर्दन खराब करी, इसने और इसने गर्दन खराब करी। ये देखे ना उंगली भी लेके जाओ ना तो चोंच मारने, ये देखें आप इनकी हरकत देखें। अरे भाई तुम्हारे साथ होता हूँ मैं, तुम मुझे भी खा जाओगे क्या है? क्यूटी 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 आओ 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 आओ। अभी तो खाना खा चुका है ना तो हर बंदे ये दोनों तो सही है, वो उसको फिगर नहीं है भाई खा चुका है वो। दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, अपने भाई के दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 के बाद। दुआ करिएगा हमारा डॉन जल्दी से एकदम एक्टिव हो जाए, प्रॉपर हो जाए एकदम। अब ये गर्दन इसकी माशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर लग रही है आज, टांगे जो है इसकी थोड़ी सी अभी भी कड़क वो हुई है, अकड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है टांगों पे थोड़ा मसाज भी करते हैं तेल से, जैतून के तेल से, ताकि ये थोड़ा सा उसमें भी बेहतरी आएगी। तो भाई चलो 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 चलो, 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 चलो।